अस्सलामुअलैकुम। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हमने लास्ट टाइम तक स्टार्ट किया हुआ था। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है ये है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। चले स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये वाला टॉपिक है आज हमारे पास। अच्छा, हमारे पास तीन तरह के फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे जो पहला फैक्टर है यह है स्टेशनरी फेज की वजह से, फैक्टर इफेक्टिंग ड्यू टू स्टेशनरी फेज। फैक्टर इफेक्टिंग ड्यू टू स्टेशनरी फेज, ड्यू टू स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज की वजह से जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे। स्टेशनरी फेज जो हम उन्होंने इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमें पता ही, जैसे सिलिका जेल, एलुमिना वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब स्टेशनरी फेज में सबसे पहला स्टेशनरी फेज का साइज किस तरह का होना चाहिए, साइज के बारे में बात करते हैं। साइज अगर बात करूं दो तरह के स्टेशनरी फेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बड़े साइज की और एक स्मालर साइज की। स्टेशनरी फेज का जो साइज है एक स्मालर साइज हो सकती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के बारे में अगर बात करूं तो स्टेशनरी फेज दो तरह की हो सकती है, एक होगी लार्जर साइज में, लार्जर साइज में, और इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है स्मालर साइज। स्मालर साइज में भी स्टेशनरी फेज मौजूद होती है। अब अमूमन जो तरजीह दी जाती है ऐसी स्टेशनरी फेज जिसका साइज छोटा हो, सही है। अगर मेरे पास ये वाली एक स्टेशनरी फेज है और एक ये वाली, इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूं, कहते अब होता यह है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लार्जर साइज में स्मालर सरफेस एरिया होता है, छोटा सरफेस एरिया होता है स्मालर सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया होता है ये छोटा होता है, जबकि स्मालर साइज में क्या होता है लार्जर सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है बढ़ जाता है। बस ये बात आपने अच्छे तरीके से जहन में रखनी है कि कब सरफेस एरिया बढ़ेगा कब सरफेस एरिया छोटा होगा। सरफेस एरिया असल में बाज़ दफ़ा ये भी नहीं पता होगा सरफेस एरिया होता क्या है। अब देखिए मेरे पास ये वाली चीज़ है, अब गौर करिएगा सरफेस एरिया आप यही समझ आएगी, स्मालर साइज में क्यों ज़्यादा होता है या लार्जर साइज में, जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल होते हैं पार्टिकल होते हैं उसमें छोटा सरफेस एरिया क्यों होता है। सरफेस एरिया होता है जो बाहर वाली सतह, बाहर वाली सतह। अब देखें मैं अगर यहाँ से बाहर वाली सतह को नॉमिनेट करता हूँ, ये वाली बाहर वाली सतह है, ये वाली हमारे पास क्या है बाहर वाली सतह है, इतनी हमारे पास सरफेस एरिया। अगर मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दूं, मतलब मैं एक हिस्सा ये बना देता हूं, एक हिस्सा मेरे पास ये आ गया, इसके बाद एक हिस्सा ये आ गया और एक हिस्सा हमारे पास ये आ गया। अगर मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूं, अब देखें सरफेस एरिया यहां पे तो उतना ही है, ये वाला चेक करें, ये वाला सेम है, लेकिन इसके साथ किस चीज का इजाफा हुआ है, ये वाला चीज का इजाफा हो गया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इसलिए जब छोटा करते हैं किसी भी चीज को, बड़ी चीज को, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है, कहता जब लार्जर सरफेस एरिया होगा यहां पे गुड सेपरेशन होगी, गुड सेपरेशन, अच्छी सेपरेशन हो रही होती है। और याद रखिएगा एक और बात, यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज भी डिक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज इज डिक्रीज, ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपने एक ग्लास लेना है रेत का, रेत में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक ग्लास के अंदर आप क्या करें थोड़े से बजरी ले लें,
थोड़े से क्या ले लें, बजरी में क्या होता है जो छोटे से मोटे पार्टिकल होते हैं इस तरह। अब इसमें भी पानी गिरा दें, इसमें पानी गिरा दें, अब देखना ये है कि किस में पानी जल्दी नीचे पहुंचता है। अब गौर करेंगे एक रेत में पानी जल्दी नीचे पहुंच गया पेदेदार, लेकिन इसमें पानी जल्दी नहीं पहुंचे, सॉरी रेत में पानी देर से पहुंचेगा जबकि बजरी में पानी आसानी से पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साइडों पर काफ़ी सारी खुली जगह होती है जहाँ से पानी आसानी से नीचे की तरफ मूव कर जाता है, पानी आसानी से नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके दरमियान में कोई इतनी ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं होता, कोई जगह नहीं मिलती पानी को, पानी ऐसे ऐसे सीप करके नीचे की तरफ जा रहा होता है, भाई याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास साइज के अलावा पैकिंग, पैकिंग कहता है जी आपकी प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पैकिंग होगा, प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, शुड हैव प्रॉपर पैकिंग, शुड हैव प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर पैकिंग नहीं होगी तो आपके पास, अगर प्रॉपर पैकिंग नहीं होती, इफ पैकिंग इज नॉट प्रॉपर, पैकिंग इज नॉट प्रॉपर, नॉट प्रॉपर का मतलब क्या है, कहीं पर क्रैक रह जाते हैं। मैंने स्टेशनरी फेस को फिल किया इस कॉलम के अंदर, अब इसमें आपने प्रॉपर पैकिंग नहीं की, प्रॉपर पैकिंग नहीं कर रहे, अब क्या हुआ किसी किसी जगह पे इसके अंदर को खाली जगह रह जाती हैं, सही। अब उस खाली जगहों में अगर आप ऊपर से सॉल्वेंट को गिराएंगे और मिक्सचर के कंपोनेंट, यहाँ पे कुछ खाली जगह खाली रहेगी इस तरह, बाहर से कुछ क्रैक रहेगा इतना किसा, यानी इतना किसा इसमें क्रैक आ गया। अब यहाँ से आपका सॉल्वेंट सडनली नीचे आएगा, आपके कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सडनली नीचे आ जाएंगे, जिसकी वजह से पुअर सेपरेशन होती है। अगर आपके पास प्रॉपर पैकिंग नहीं होगी, यहाँ से काम क्या होगा, पुअर सेपरेशन होगी, पुअर सेपरेशन हो रही होती है, सेपरेशन, बस इतनी बात याद रखिएगा, पुअर सेपरेशन की वजह बन रहा होता है। अब पैकिंग के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी ऑफ स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज की एक्टिविटी। अच्छा एक्टिविटी याद रखिएगा कि एक्टिविटी कहते हैं पोलर नेचर को, एक्टिविटी क्या होती है, पोलर नेचर। आपके पास जो स्टेशनरी फेज होनी चाहिए ये पोलर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी सेपरेशन, अगर जितनी ज़्यादा एक्टिविटी, एक्टिविटी हायर होगी, एक्टिविटी दो तरह की हो सकती है, या तो एक्टिविटी हायर होगी या एक्टिविटी लोअर होगी, हायर या फिर लोअर। अगर तो एक्टिविटी हायर होती है तो अच्छी सेपरेशन होगी, गुड सेपरेशन, अच्छी सेपरेशन हो रही होती है। अगर एक्टिविटी लोअर होगी तो बैड सेपरेशन होगी, बैड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट, आपके मिक्सचर कंपोनेंट इतनी जल्दी या इतने अच्छा तरीके से सेपरेट नहीं हो रहे होंगे। तो याद रखिएगा जो हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है वो पोलर ही होती है, जितनी ज़्यादा पोलर होगी उतनी अच्छी सेपरेशन, जितनी कम पोलर होगी उतनी कम अच्छी सेपरेशन होगी। ये तो थे चंद एक फैक्टर ड्यू टू स्टेशनरी फेज। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो मोबाइल फेज की वजह से, फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्यू टू मोबाइल फेज, फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्यू टू मोबाइल फेज, ड्यू टू मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज की वजह से कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं, ये हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है। ये हमारे पास पहली चीज़ थी जिसके अंदर हमने चंद एक फैक्टर को डिस्कस कर लिया है, ये वाली पहली चीज़ है। अब ये वाली हमारे पास आ गई है सेकेंड नंबर पर। अब मोबाइल फेज में सबसे पहली बात देखते हैं जी नेचर, आपका मोबाइल फेज की नेचर कैसी है, किस तरह की नेचर है। कहते हैं अगर तो आपका मोबाइल फेज दो तरह के हो सकते हैं नेचर में, या तो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। और याद रखिए मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ उमूमन दोनों ही यूज़ करते हैं, दोनों बाद कोई एक अच्छे सेपरेशन करवा रहा होता है, कभी कई दफ़ा दूसरे अच्छे सेपरेशन करवा रहा होता है, लेकिन जो बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें हम उमूमन जो नॉन पोलर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पोलर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपने यहाँ से डिसाइड करना होता है कि आप किस नेचर का इस्तेमाल करेंगे मोबाइल फेज, सही है। अगर तो हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है वो दरमियानी क्वांटिटी के हैं, तो आपने जो स्टेशनरी फेज है वो गुड यानी हायर एक्टिविटी वाली लेनी है, और यहाँ से जो चीज़ लेंगे वो लोअर एक्टिविटी वाली है, यानी कि मोबाइल फेज आपके पास लेस पोलर होनी चाहिए, मोबाइल फेज लेस पोलर होगी तो आपके पास अच्छी सेपरेशन आएगी, अच्छी सेपरेशन आती है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आ जाती है मोबाइल फेज के बारे में वो होता है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो।
अब रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आने का कॉलम में स्पीड। मैं कहता हूँ ये मेरे पास कॉलम है, अब ऊपर से नीचे की तरफ आपकी मोबाइल फेज कितनी स्पीड से आती है, कितनी स्पीड से आती है, ये वाली चीज़ को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। यहाँ मैंने स्टेशनरी फेज ली होगी, यहाँ ऊपर से मैं मोबाइल फेज डालूंगा। अब मोबाइल फेज आपकी ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ मोबाइल फेज कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आती है, इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, फ्लो होने का रेट। अगर तो रेट ऑफ फ्लो आपका तेज है तो गुड सेपरेशन नहीं होगी। अगर रेट ऑफ फ्लो आपका क्या है, स्पीड वाला है, काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आपकी मोबाइल फेस मूव करती है, तो आपके पास गुड सेपरेशन नहीं होगी। दो तरह के रेट ऑफ फ्लो होते हैं, रेट ऑफ फ्लो के तीन तरफ होंगे, दो तरह के। अगर तो रेट ऑफ फ्लो हायर है, हायर रेट ऑफ फ्लो है, या फिर इसके अलावा लोअर हो सकता है, लोअर रेट ऑफ फ्लो। अगर तो रेट ऑफ फ्लो हायर है तो फिर गुड सेपरेशन, बैड सेपरेशन होगी, बैड सेपरेशन, अच्छी सेपरेशन नहीं होगी। यानी बैड सेपरेशन का मतलब क्या है, आपके पास गुड रेजोल्यूशन नहीं होगी या बैड रेजोल्यूशन होगी। रेजोल्यूशन कह लें या फिर सेपरेशन, बैड रेजोल्यूशन भी हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं वर्ड, बैड रेजोल्यूशन होगी। अगर लोअर रेट होगी यानी कि ऐसा ऐसा से आपको मोबाइल फेस नीचे की तरफ आ रही है तो गुड सेपरेशन होगी, आपकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, गुड सेपरेशन होगी, अच्छी सेपरेशन होगी, और इसकी वजह से, अच्छी सेपरेशन होने की वजह से आपके रेजोल्यूशन भी गुड होगी, रेजोल्यूशन इज बेटर, ये बहुत अच्छी होगी आपके पास, आपके मिक्सचर कंपोनेंट बड़े आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है स्टेडी रेट ऑफ फ्लो, आपके जो मोबाइल फेज है इसका स्टेडी रेट ऑफ फ्लो भी होना चाहिए। अगर स्टेडी नहीं होता तो आपके पास अच्छी सेपरेशन नहीं आएगी। मोबाइल फेज, जो मोबाइल फेज आपने यूज़ करनी है, मोबाइल फेज शुड हैव, रखनी चाहिए, शुड हैव, रखना चाहिए स्टेडी रेट ऑफ फ्लो। स्टेडी, स्टेडी कहते हैं एक मुस्तकिल, स्टेडी रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो होना चाहिए। ले जी, ये हमारे पास मोबाइल फेस के बारे में चंद एक बातें कर ली हैं कि नेचर किस तरह की होनी चाहिए, कौन सी मोबाइल फेस को हम तरजीह देंगे, मोबाइल फेस का रेट ऑफ फ्लो किस तरह का होना चाहिए, और लास्ट में हमारे पास जो बात की है वो ये है कि रेट ऑफ फ्लो एक स्टेडी होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ, ये नहीं है कि यहाँ पे थोड़ी सी देर से आई, यहाँ पे आसानी से नीचे की तरफ आ जाए। यानी कि रेट ऑफ फ्लो आपको ऊपर से, टॉप से लेके नीचे तक सेम होना चाहिए, इसको कहते हैं स्टेडी। अब लास्ट वाली जो चीज़ जो कि इफेक्ट कर रही होती है वो डायमेंशन ऑफ कॉलम होती है। लास्ट वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है डायमेंशन ऑफ कॉलम, जो आप कॉलम क्रोमेटोग्राफ कॉलम यूज़ करते हैं उसकी डायमेंशंस। अब देखो कॉलम दो तरह के हो सकते हैं, कॉलम दो तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर मैं साइज़ के बारे में बात करूंगा, कॉलम के साइज़ के बारे में, इसके बाद टेम्परेचर के बारे में बात करूंगा। साइज़ दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारे पास लॉन्गर कॉलम, लॉन्गर कॉलम, और एक हो सकते हैं जो शॉर्टर कॉलम, शॉर्टर कॉलम्स। ये दो बातें याद रखनी है। अब लॉन्गर कॉलम्स और शॉर्टर कॉलम का भी इस्तेमाल करना है, कहते हैं अगर आप तो लॉन्गर कॉलम ही इस्तेमाल करते हैं, लॉन्गर कॉलम हमारे पास इस तरह का होगा, बड़ा लंबा, इस तरह कुछ, ये हमारे पास आता है जी लॉन्गर कॉलम है, इस तरह, ये हमारे पास है जी लॉन्गर कॉलम, और ये शॉर्टर होता है, उसकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है, इस तरह कुछ। चलिए मैं यहाँ पर यह बना लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया शॉर्टर कॉलम, ये हमारे पास क्या है जी शॉर्टर कॉलम है। अब कहता है जी अगर आपने अच्छी सेपरेशन, लॉन्गर कॉलम में अच्छी सेपरेशन होती है, ये वाला हमारे पास लॉन्गर कॉलम है और ये वाला हमारे पास शॉर्टर कॉलम है। फिर लॉन्गर कॉलम में गुड सेपरेशन होगी, अच्छी सेपरेशन, गुड सेपरेशन, अच्छी सेपरेशन हो रही होती है, जबकि शॉर्टर कॉलम में बैड सेपरेशन हो रही होती है, बैड सेपरेशन हो रही होती है। ले जी ये वाली बात भी आपने याद रखनी है। अमूमन हम जो यूज़ करते हैं वो लॉन्गर कॉलम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लॉन्गर कॉलम नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लॉन्गर कॉलम और शॉर्टर कॉलम के बाद, वो है टेम्परेचर। वो है हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। अब देखें दो तरह के टेम्परेचर हो सकते हैं, और याद रखिए जो एड्सॉर्प्शन फिनोमेना है ये फिजिकल है, ये केमिकल नहीं है। और जो फिजिकल फिनोमेना होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है।
अब टेम्परेचर भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपके पास हाई टेम्परेचर पे आप क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, टेम्परेचर हाई रखें, या फिर टेम्परेचर लो रखें। अगर जब टेम्परेचर हाई रखेंगे तो क्या होगा, एडसॉर्प्शन विद स्टेशनरी फेज के साथ जो एडसॉर्प्शन होती है, स्टेशनरी फेज के साथ जो एडसॉर्प्शन होगी इज लेस या अमूमन कम होती है। लेकिन कम टेम्परेचर पे एडसॉर्प्शन की सलाहियत अच्छी होती है, एडसॉर्प्शन विद स्टेशनरी फेज के साथ जो एडसॉर्प्शन होती है स्टेशनरी फेज इज हाई, ये बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसका क्या मतलब है, कहता हमने ना ऊपर से नीचे की तरफ हम स्टेशनरी फेज यहाँ पर डाली होती है अमूमन कॉलम के अंदर। अब कॉलम के अंदर मैं कहता ये मेरे पास स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे भी ये स्टेशनरी फेज है, यहाँ पे अगर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर की बात करूँ तो यहाँ बिल्कुल क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर थोड़ी सी इंट्रैक्शन होगी, लेकिन कम टेम्परेचर पर इंट्रैक्शन यही बढ़ जाती है। सही है, हमारे पास कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है ये वाला, और ये वाले हमारे पास जो रेड वाली है ये स्टेशनरी फेज है। सही है, हाई टेम्परेचर पे कम और लो टेम्परेचर पे ज़्यादा इंट्रैक्शन होती है, इसलिए अमूमन हम जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ कर रहे थे वो लो टेम्परेचर पे करते हैं। ये था कि हमारे पास फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन क्रोमेटोग्राफी, ये सिंपल से फैक्टर थे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट इसके बाद कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं जो कि RMI वैल्यूज़ वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट वगैरह हैं, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।